अग्निपथ योजना के विरोध में आज कई जगहों पर भारत बंद। आधिकारिक तौर पर किसी संगठन ने नहीं किया भारत बंद का आह्वान। आरपीएफ ने अपने जांच अधिकारियों को दिए सख्ती के निर्देश। रेल रोकने रेल को आग लगाने पर संघीय धाराओं में दर्ज होगा मुकदमा। बंद के दौरान शरारती तत्वों पर बारीकी से रखी जाएगी नजर। हिंसा करने वालों के खिलाफ डिजिटल साक्ष्य भी जुटाने के आदेश। अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में प्रशासन अलर्ट। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का जंतर मंतर पर सत्याग्रह। प्रियंका समेत तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद। भारत बंद की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू। दिल्ली में सभी बॉर्डर पर बढ़ाई गई सख्ती। छात्रों के उग्र आंदोलन को देखते हुए आज दिन में बिहार में कोई ट्रेन नहीं चलेगी। रात 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक होगा ट्रेनों का संचालन। भारत बंद के मद्देनजर झारखंड में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। एहतियात के तौर पर शिक्षा विभाग ने लिया फैसला। भारत बंद के ऐलान को देखते हुए यूपी में अलर्ट। रेलवे स्टेशनों बस अड्डों समेत भीड़भाड़ वाली जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। बिहार के 17 जिलों में इंटरनेट सेवा किया गया बंद। पटना में आज सभी स्कूल रहेंगे बंद। 6 कोचिंग सेंटर के खिलाफ FIR दर्ज। अग्निपथ योजना को लेकर जारी बवाल के बीच गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई। फर्जी खबरें फैलाने को लेकर 35 व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रतिबंध। अग्निपथ योजना को लेकर कम नहीं हो रहा युवाओं का गुस्सा। दानापुर में उग्र प्रदर्शन कर वीडियो आया सामने। छात्रों ने जमकर की तोड़फोड़। देवरिया के बरहज में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन। उपद्रवियों ने जमकर किया बवाल। पुलिस जीप पर फेंके गए पत्थर। 4 आरोपी गिरफ्तार। रतलाम में अग्निपथ विरोध के चलते अलर्ट। रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। जीआरपी आरपीएफ और पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। अग्निपथ योजना के तहत सेना जारी करेगी नोटिफिकेशन। 24 जून से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। हिंसा करने वालों को सेना की चेतावनी। कहा हिंसा में शामिल होने वालों को सेना में नहीं मिलेगी जगह। FIR में नाम रहा तो नहीं बन सकेंगे अग्निवीर। अग्निपथ योजना को लेकर सेना की दो चूक। अग्निपथ योजना किसी भी कीमत पर वापस नहीं ली जाएगी। अग्निपथ योजना पर तीनों सेना की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमारा मकसद आर्मी को युवा बनाना है। 2 साल से योजना पर चर्चा थी। सेना ने कहा अग्निवीरों को 1 करोड़ का जीवन बीमा। की वीरों को मिलने वाली सेवा निधि होगी इनकम टैक्स। अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया के समर्थन में उतरे AMU के वाइस चांसलर। कहा इस योजना से युवाओं को काफी लाभ मिलेगा। विपक्ष के प्रदर्शन पर भड़की बीजेपी। संबित पात्रा ने कहा देश में युवाओं को भड़का रही है कांग्रेस। अग्निपथ पर राजनीति बंद होनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस को देश की सेना पर भरोसा नहीं। आजमगढ़ उपचुनाव में भी छाया अग्निपथ का मुद्दा। सीएम योगी ने कहा पूरी दुनिया में हो रही है अग्निपथ योजना की तारीफ। विपक्ष कर रहा है गुमराह। अग्निपथ योजना के खिलाफ जयपुर में अमर जवान ज्योति से कांग्रेस ने निकाली तिरंगा यात्रा। सीएम गहलोत ने कहा देश में युवा वर्ग में आक्रोश। जल्द से जल्द फैसला वापस ले सरकार। तौकीर अज़हर का विवादित बयान। कहा ट्रेन चलाने वालों की बातें सुनी जा रही है। हम ट्रेन नहीं चला रहे इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। बरेली की रैली में मौलाना तौकीर अज़हर ने उगला जहर। कहा पूरे हिंदुस्तान में जुम्मा वाला माहौल बना देंगे। जब तक आरोपी अरेस्ट नहीं होते भीड़ जुटती रहेगी। पीएम मोदी को लेकर मौलाना तौकीर अज़हर की सीधी चुनौती। कहा पीएम मोदी इस्लाम अपनाए कलमा पढ़े हम उन्हें सिर पर बैठा लेंगे। तौकीर अज़हर ने कहा सरकार जुम्मा से डर गई है उन्हें और डराएंगे। अगर हमें ज्ञापन देना है तो हम UNO में ज्ञापन देंगे। तौकीर अज़हर पर भड़के बीजेपी नेता कपिल मिश्रा। कहा बात बात पर भीड़ दिखाने वाले गुंडे देश के आम लोगों को कमजोर ना समझें। बिहार के 8 जिलों में आंधी और वज्रपात। 80-17 की मौत। सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतक के परिजनों को मिलेगा 4-4 लाख का मुआवजा। असम के कई जिले बाढ़ से हुए प्रभावित। भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। कई जगहों पर जलभराव से लोगों की परेशानियां बढ़ी। असम के गोलपारा में भी बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। घरों के भीतर घुसा बाढ़ का पानी। असम के कामपुर में भी बाढ़ की वजह से सड़कों पर रहने को मजबूर हुए लोग। पानी में घट हुए। असम के नगांव में बाढ़ से हाहाकार। सैकड़ों गांव बाढ़ में डूबे। जान जोखिम में डाल गौवंशों के साथ सुरक्षा जगह की तरफ बढ़ रहे लोग। बिहार के भागलपुर में कोसी नदी के तेज बहाव में बह गया निर्माणाधीन पुल। कंपनी को करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान। जयपुर के मानसरोवर इलाके में धंसी सड़क। सीवरेज के लिए खोदा गया था गड्ढा। पुलिस ने ट्रैफिक किया डायवर्ट। जयपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश। जगह जगह हुआ जलभराव। लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की ईडी के सामने आज फिर पेशी। कांग्रेस नेता को आज चौथी बार पूछताछ के लिए किया गया है तलब। कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। दिल्ली पुलिस की बदसलूकी को लेकर सौंपेगा ज्ञापन। ये मोदी का 2 दिवसीय कर्नाटक दौरा। कई विकास योजनाओं की करेंगे शुरुआत। यात्रा के दौरान पीएम मोदी बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का भी करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह आज साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा ये कार्यक्रम।
बुलडोजर एक्शन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करेगी यूपी सरकार। जमीयत उलेमाए हिंद ने दायर की है अर्जी। पंजाब के संगरूर में आज रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। उपचुनाव के लिए आप प्रत्याशी गुरमेल सिंह के समर्थन में मांगेंगे वोट। पुलवामा के चारपोरा गांव में जारी है आतंकियों का एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की संभावना। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। यूपी के डुबरी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आजमगढ़ दौरा, बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव ने रहुआ के पक्ष में करेंगे जनसभा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज महाराजगंज और प्रयागराज दौरा, गरीब कल्याण मेले में लाभार्थियों को करेंगे संबोधित। सपा नेता आजम खान पर दर्ज मुकदमे में आज कोर्ट में सुनवाई, लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में सुनवाई। इंटरमीडिएट की परीक्षा में 60% अंक आने पर छात्र ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। उत्तर प्रदेश की कन्नौज की घटना पर इग्नू में मचा कोहराम। यूपी के सीतापुर में भी परीक्षा में कम अंक आने पर छात्रा ने खुदकुशी की, नहर में छलांग लगाकर अपनी जान दी। बाराबंकी में रिटायर्ड कर्नल की अनोखी पहल, बेटी के साथ शुरू की लखनऊ से अयोध्या की पदयात्रा, अग्निपथ पर बोले गुमराह न हो देश के जवान। यूपी के शाहजहांपुर में डबल डेकर बस पलटी, 30 से ज्यादा यात्री घायल, गोंडा से पंजाब जा रही थी बस। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बंदरों के आतंक से पुलिसकर्मी परेशान, थाने से पुलिसकर्मी की टोपी लेकर भागा बंदर, वीडियो हुआ वायरल। राजनगरी आगरा में शराब के नशे में हाई टेंशन बिजली पोल पर चढ़ा युवक, घरेलू करा के चलते उठाया कदम, पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। ग्रेटर नोएडा के बीच 2 में रोड रेस का मामला, 4 नाइजीरियन युवकों ने नैनो कार सवार से की मारपीट, मामले की जांच में जुटे पुलिस। नोएडा में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा, पुलिस ने गैंग के 2 महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश कन्नौज में कंटेनर ने 2 ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, 8 घायल। कानपुर में बेटे के साथ विवाद में शेयर कारोबारी ने चलाई 30 राउंड गोलियां, 3 पुलिसकर्मी घायल। उत्तर प्रदेश के मथुरा में दरबरे युवक ने मां बेटी को मारा चाकू, हमले में बेटी की मौत, मां की हालत गंभीर। यूपी के बस्ती में लूटकांड पर पुलिस का खुलासा, होमगार्ड के बेटे ने किडनी के इलाज के लिए रची थी लूट की साजिश। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में शादी समारोह के दौरान तमंचे पर डिस्को, दुल्हन के रिश्तेदार को लगी गोली। उत्तराखंड की राजधानी में स्वच्छता अभियान, क्लीन सिटी ग्रीन सिटी नाम का दिया स्लोगन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में हुए शामिल। हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा ईडी जांच से कांग्रेस डरने वाली नहीं, जनता के मुद्दों को उठाने का करेंगे काम। केंद्र सरकार की मध्य प्रदेश को सौगात, भोपाल के मेमोरियल अस्पताल में मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने देखी गुटबाजी, युवा कांग्रेस ने निकाय चुनाव के बहिष्कार का किया ऐलान। बागियों की नाराजगी पर पूर्व मंत्री तरुण भनोत का बयान, कहा जरूरत पड़ी तो नाराज कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर मनाएंगे। बीजेपी में भी टिकट बंटवारे को लेकर मचा सियासी घमासान, इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाहरी प्रत्याशी को टिकट देने पर जताई नाराजगी। खरगोन में सरपंच पद की महिला उम्मीदवार की नर्मदा नदी में डूबने से मौत, पुलिस ने मामले की शुरू की जांच, घटना के बाद चुनाव स्थल। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल डीजल की किल्लत, पेट्रोल की सप्लाई न हो पाने से प्रदेश के कई पेट्रोल पंप हुए बंद। शिवपुरी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 महिलाओं की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल, शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इंदौर में धर्म छिपाकर शादी करने का मामला आया सामने, वसीम ने उमेश बनकर युवती से की शादी, युवती की तहरीर पर मामला दर्ज, आरोपी की धरपकड़ जारी। एमपी के सिंगरौली में पंचायत सचिव को 3 पत्नियों को चुनाव लड़ाना पड़ा महंगा, सीईओ ने किया निलंबित, 2 पत्नियों ने सरपंच और तीसरी ने जनपद पंचायत सदस्य के लिए किया था नामांकन। टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर पलटा शराब से भरा ट्रक, सड़क पर बिखर गई शराब की पेटियां, ग्रामीणों ने शराब की पेटियों को लूटा। एमपी के इंदौर में चोरों ने मंदिर और एक घर में लगाई सेंध, सोने के जेवरात और नकदी लेकर हुए फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में अनोखा नजारा, एक ही फ्रेम में नजर आए मोर और बाघ, सैलानियों के कैमरे में कैद हुआ अनोखा नजारा। बिहार के दरभंगा में शादी का माहौल, मातम में बदला, पिकअप वैन ने 18 लोगों को रौंदा, 2 की मौके पर ही मौत। झारखंड के लोहरदगा में सामने आया लव जिहाद का मामला, उत्तर प्रदेश के लड़के ने के नाम बदलकर की नाबालिग लड़की से शादी, लड़की पर बना रहा था धर्म बदलने का दबाव। लातेहार पुलिस की बड़ी कामयाबी, जारम जंगल में छापेमारी, नक्सलियों के छुपाए हथियार और कारतूस बरामद। बिहार के सीतामढ़ी में तमंचे पर डिस्को का वीडियो हुआ वायरल, युवक ने पिस्तल के साथ किया धार, से जांच में जुटे पुलिस। जयपुर में नौ निर्वाचित इमारत का हिस्सा था, बिल्डिंग में खुदाई के दौरान हुआ हादसा, अंडरग्राउंड में भरा पानी। लखनऊ में दबंगों ने दुकानदार के साथ की मारपीट, लोहे की रॉड से पीट पीट कर किया लहूलुहान, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जालौन में जांच करने गए दारोगा के साथ मारपीट, दारोगा के साथ गया सिपाही बना तमाशबीन, दारोगा की पिटाई का वीडियो वायरल। महाराजगंज में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, एक दूसरे पर लाठी डंडे से किया हमला, सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल।
जालौन में पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद, दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच हुई मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बांग्लादेश में बारिश और बाढ़ का कहर, बाढ़ से तकरीबन 60 लाख लोग प्रभावित, तो 25 लोगों की मौत, राहत और बचाव के लिए सेना ने संभाला मोर्चा। चीन में भारी बारिश और तूफान के बाद बाढ़ के हालात, ग्वांगशी प्रांत में हालात बेहद खराब, सैलाब में दर्जनों लोग लापता। फ्रांस में भीषण गर्मी का कहर जारी, राजधानी पेरिस समेत कई इलाकों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। ट्यूनिशिया में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, नए संविधान मसौदे का हो रहा है विरोध। रशियन सेना का यूक्रेन पर हमला जारी, यूक्रेन के पेट्रो केमिकल प्लांट में रूस का हवाई हमला, जोरदार धमाका से दहला शहर। रशियन सेना का यूक्रेन पर हमला जारी, यूक्रेन के पेट्रोकेमिकल प्लांट में रूस का हवाई हमला, जोरदार धमाके से दहला है पूरा शहर। यूक्रेनी सेना का रशियन सेना पर जोरदार हमला, कथित तौर पर एक रूसी होविट्ज़र तोपखाने को बनाया गया निशाना। यूक्रेनी टैंक को रशियन सेना ने बनाया निशाना, लेजर स्ट्राइक से रशियन सेना ने किया हमला, पूरी तरह बर्बाद हुआ टैंक। एलएनआर फोर्स ने कारखाने में छिपे यूक्रेनी सेना के हथियारों का कर रहे इस्तेमाल, रूस ने यूक्रेनी सेना के खिलाफ इस फोर्स को खड़ा कर दिया। ओडिशा के पोपनाया में रूसी सेना की घेराबंदी, रूसी T-62M टैंकों का काफिला दिखा। यूक्रेन की 40वीं आर्टिलरी ब्रिगेड का रूसी सेना पर जबरदस्त हमला, चार रूसी VM-21 ग्रेनेड लॉन्चरों पर किया गया हमला। पुतिन ने देशवासियों से की अपील का घरेलू कार कंपनियों और उद्योगों का समर्थन करें नागरिक, कई विदेशी कार कंपनियां रूस में बंद कर चुके हैं अपना कामकाज।